उम्मीद से ज़्यादा अच्छी फसल है, मॉइस्चर भी ठीक है, डेरियाँ भी ठीक लगी हुई हैं और चमक भी ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि इस बार जो उत्पादन भी पहले से ज़्यादा होगा। जैसे मंडी के अधिकारी हैं, उन्होंने बताया है कि 20-25% पिछले साल से ज़्यादा खरीद होगी, और किसान के जो बताया गया है कि यहाँ पर मेंटेन चल रही है, साफ सफाई की व्यवस्था ठीक है, छोटी मोटी व्यवस्थाएं इनमें मंडी के बारे में उन्होंने बताया। ये चंडीगढ़ जाके मैं ठीक करूँगा, और यहाँ मैंने जो खरीद एजेंसी है एफेड है उनके मंडी से बात की और दूसरे अधिकारियों से बात की, सुचारू रूप से काम चलेगा और 72 घंटे में हमारी कोशिश होगी किसान को इम्प्रूवमेंट कर दे, और जो खराबा हुआ है किसान की फसल का उसका भी हम कोशिश करेंगे कि मई के अंदर उसका जो मुआवजा हम उसको दे दें। सर, जो किसानों का नुकसान हुआ मुआवजे की बात कर रहे हैं और आवक जिस तरह से मंडी में हुई है, क्या इन दोनों डाटा को सिंक करके बाद में? डाटा हमारे पास सब है, लेकिन अभी हमें चिंता किसान की है और किसान की कई विधि से हम मैपिंग कर रहे हैं। किसान के कहने से क्षतिपूर्ति के पोर्टल उसको दिया है, पटवारी का डाटा है, सेटेलाइट का डाटा है, फिर आखिर में मंडी का डाटा तो है ही, तो कई डाटा दे करके जो जाए इसका नुकसान है सरकार उसके साथ खड़ी है। जो लोग ये चाहते हैं कि भाई कोई गैर कानूनी काम करे उसको हमारे पास माध्यम है उसको रोकने के लिए। खरीदे मंडी में अभी तक मॉइस्चर का संकट था, मौसम भी खराब था, खरीद सब्जियों की खरीद शुरू हो गई है मंडी में, से आपके पास 67,000 क्विंटल गेहूँ है, सरसों का आपने व्यवस्था की एक मंडी में खरीदना हो उसी जगह करके सरसों की खरीद चली रही है, गेहूँ की खरीद भी अब तुरंत जो है उनके पास जो भी समस्याएँ थी होने के लिए एक जो फूड एंड सप्लाई वाले कार्टेज का कंडक्टर था वो भी आज हो जाएगा। देखिए मैडम, मैं बताता हूँ कि फसल बीमा के बारे में विपक्षी पार्टी ने बहुत दुष्प्रचार किया हरियाणा के अंदर किसानों से, कंपनियों को 2016 से आज तक 1500 करोड़ रुपये का ऋण दिलवाया और आज तक 6,000 करोड़ रुपये हमको बटवा चुके हैं। अभी भी जो पिछले साल का कपास का और उसकी फसल का लगभग 1500 करोड़ रुपये और बढ़वाना है। इन सारे आंकड़े को देखा जाए तो जो पैसा फसल बीमा कंपनियों को 1577 किसान से गया, कुछ भारत सरकार से गया, कुछ हरियाणा सरकार से गया, 5600 करोड़ रुपये गया है और किसान को मिलेगा 7,500 करोड़ रुपये, 2,500 करोड़ रुपये, 2,000 करोड़ रुपये कुछ कंपनियाँ काटे गए। ये जो दुष्प्रचार करते हैं किसान के हित में नहीं है और कोई भी ऐसा ये बाध्य नहीं है। किसान को अच्छा लगे तो कराए, अच्छा ना लगे तो ना कराए। किसान को अच्छा लग रहा है तभी तो किसान करवा रहे हैं। हर जगह जो है ये जो सही है कि कहीं किसान इसका लाभ नहीं उठा पाए, लेकिन सरसा में है, फतेहाबाद में है, भिवानी में है, महेंद्रगढ़ नागौर में है, वहाँ के किसानों को इसको बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। सर, भूपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं कि कृषि मंत्री किसानों को बहकाने का काम कर रही है, किरण चौधरी कह रही है कि आपने एक बयान में आतंकी किसानों को कहा था, इसका फायदा किसान नहीं। देखिए, ये इस तरह की बातें करने से ना तो किसी का भला होना ना किसी का बुरा होना, सही बात तो किसान जानता है। मैं खुद किसान हूँ, किसान का बेटा हूँ और किसान को कोई कष्ट होता है तो मुझे दिक्कत होती है। किसान की आवाज़ में आवाज़ भी लड़ा मेरा काम है। राजनीति करने वाले लोग राजनीति करते रहे, हम ऐसा है कि इस किसान के मुद्दे पर राजनीति नहीं करना चाहते, किसान की सेवा करना चाहते हैं, किसान की मदद करना चाहते हैं, और इसीलिए मैं जब भी मौका रहता है मंडियों में, किसान के खेतों में किसान के साथ खड़ा रहता हूँ।